हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विलेज। माय सेल्फ तरुण पांडे, आपका मैथ्स टीचर। इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ये ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, मैं पहले आपको बता दूं। इन जनरल यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस वीडियो में यूनियन ऑफ सेट्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं आपसे। यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स पर डिस्कशन कर दें, और ये भी बता दें कि ऑपरेशन ऑन सेट्स का जो वीडियो है, हो सकता है दो पार्ट में बन जाए, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि यूनियन होता क्या है। देखिए, अगर दो सेट हैं हमारे पास ए और बी, और इनके यूनियन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, मुझे ए और बी का यूनियन बताना हो, तो पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड एज ए यूनियन बी। इसको पढ़ते हैं हम लोग ए यूनियन बी। तो पहले तो पढ़ना आना चाहिए और सिम्बोलिकली पता होना चाहिए कहते क्या है, किसको कहते हैं ए यूनियन बी। तो इसे बोलते हैं हम लोग ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का बेसिक मतलब क्या होता है बता दें। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ए एंड बी। और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बोला है, भले वो एलिमेंट ए में हो और बी में ना हो, या बी में हो और ए में ना हो, या दोनों में हो, मुझे कलेक्शन सबका करना है, दैट्स कॉल्ड यूनियन। और यूनियन का ये जो नाम है वैसा काम है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको इकट्ठा करना। आपने सुना होगा यूनियन लीडर, सुना है कि नहीं है? तो इस तरीके से यूनियन लीडर काम क्या होता है, सबको इकट्ठा करना ना। जैसे मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3, और एक सेट बी है दोस्त ये है 4 5 6 7। अब हमने कहा कि ए यूनियन बी क्या होगा, आपने तुरंत बोल दिया कि यार ए यूनियन बी का मतलब हुआ सबको कलेक्ट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया कलेक्ट, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब दूसरा एग्जांपल लेख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज मैंने एक सेट ए लिया 1 2 3, और एक सेट बी लिया 3 4 5। हमने कहा यार ए यूनियन बी बताओ, तो आपने कहा ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपने कहा सबको इकट्ठा कर लो। तो आपने बुलाया 1 2 3 4 5। हाँ, जब हम सबको बुला रहे थे तो सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से थे, 1 2 3, तो आपने 1 2 3 लिख दिया। बी में देखा तो बी में 3 4 5 था, तो 3 यहाँ रिपीट कर रहा था, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। एक बात याद रखिए, किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड इन सेट। तो यहाँ पर 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा ए यूनियन बी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट यूनियन में रिपीट नहीं करेगा, और यूनियन का मतलब होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना। नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड। और यूनियन दो से ज़्यादा सेट का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम कसम खा लिया है कि दो ही सेट का यूनियन निकालेंगे। जैसे हम एक अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3, और एक सेट बी है 2 3 4, और एक सेट सी है 7। तो हमने कहा कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो आप सीधी बात कहेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होगा ए और बी और सी के सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 1 2 3, फिर 2 3 4 2 3 4, ये 5 नहीं आएगा, ये 7 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। अच्छा, हम एक बात और कहना चाहेंगे कि ए यूनियन बी को एल्जेब्रिकली कैसे बोलेंगे। जैसे हमने कहा आपसे कि सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए कमेंट नोट कर लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, एक एज ए कमेंट नोट कर लीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, और इसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हैं। कि अगर हमने कहीं आपसे ये कह दिया कि एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, इसका सेंस क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर एक्स एलिमेंट अगर ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर बीच में यहाँ पर ओ आर लगेगा, यहाँ पर ये कंजक्शन लगेगी ओ आर। ध्यान रखिएगा कि अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एक्स ए को बिलोंग करेगा या एक्स बी को बिलोंग करेगा।
क्योंकि लिए जरूरी नहीं कि यूनियन का एलिमेंट ए को ही बिलोंग करे, वो बी को भी कर सकता है, किसी ए को जरूर करेगा। इसका सेंस ये होता है, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका सेंस ये होता है कि एक्स किसी एक में जरूर होगा अगर यूनियन में है तो। वो कहाँ का है आई डोंट नो, वो किसी एक घर का होगा, या तो ए का होगा या तो बी का होगा, किसी एक घर का होगा। देखो दोनों का हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं होगा ना। लेकिन ये जो कंडीशन लिख रहे हैं ये मतलब नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन है, ये कंडीशन नेसेसरी और सफिशियंट है। आप यहाँ पर डंके की चोट पे कह सकते हैं कि एक्स एलिमेंट या तो ए का होगा या तो बी का, कहीं का एक होगा, वो कहाँ का है आई डोंट नो। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो आप कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको लिखना सीख लीजिए। और इसी पर एक दूसरा हम लिख रहे हैं, उसको भी आप हाईलाइट कर दीजिएगा अपने पास और उसको ध्यान से बार बार रीड करिए, फिर प्रोविंस में काम आता है। दूसरा रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए उसमें फिर हम बॉक्स बना रहे हैं दूसरे रिजल्ट के लिए। और ये जो बॉक्स बना रहे हैं इनको प्लीज़ बेटा बहुत अच्छे से नोट करिएगा। जैसे हमने कहा दोस्त कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, मैंने कहा यहाँ पर कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये सेंस क्या हुआ? भाई मेरे तुम यूनियन में नहीं हो, ए यूनियन बी में हो नहीं, इसका मतलब तुम कहीं नहीं हो। क्योंकि अगर तुम कहीं भी होते तो मेरे यूनियन में जरूर होते, क्योंकि यूनियन की डेफिनेशन ही यही है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सेट। यानी आपने ए यूनियन बी बोला है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, ए और बी के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि एक्स हमारा ए यूनियन बी में नहीं है, तो भाई साहब तुम कहीं नहीं हो। तो अगर तुम कहीं भी होते, पड़े होते, ए में होते या बी में होते, तो हमारे यूनियन में होते। यानी तुम गारंटी से कह सकते हो, डंके की चोट पे कह सकते हो कि एक्स ना तो ए में होगा एंड कंजक्शन यूज लगाओगे, और ना तो तुम बी में होगे। तो क्यों? क्योंकि अगर तुम कहीं भी एक जगह होते तो बेटा मेरे यूनियन में होते, तुम मेरे यूनियन में ही नहीं हो, तो तुम कहीं नहीं हो, जाओ तुम ना तो ए में हो ना तो बी में हो, करेक्ट है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इन सबका यूज होता है प्रूविंग्स में, और यही लॉजिक से क्लियर करते हैं यूनियन को, करेक्ट है? तो यूनियन का मतलब तुम कहीं हो तो हमारे यूनियन में जरूर होगे, तुम कहीं भी नहीं हो इसलिए मेरे यूनियन में नहीं हो, अगर यूनियन में होते तो कहीं एक जगह होते, करेक्ट है? तो ये दोनों बातों को आप हेडिंग इनको स्टार बना कर अपने पास कहीं नोट कर लीजिएगा। और यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समझ में आ गया, यूनियन के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। और कुछ बातें हम इसमें बताते हैं, जैसे सपोज दैट आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम इसमें बता दें कि हम चाह रहे हैं कि इसको जो हम बताना चाह रहे हैं वो इंटरसेक्शन के बाद बताएं। तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स पर। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।